यशस्वी ने फिर दिखाया अपना यश, रांची में जड़ दिया दमदार अर्धशतक, सचिन कोहली जैसे दिग्गज भी छूटे पीछे, जायसवाल का जलवा है जारी। इंग्लैंड के खिलाफ जारी रांची टेस्ट मैच में एक बार फिर भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 73 रनों की पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और एक छक्का भी जड़ा। यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में दमदार फॉर्म में हैं और उन्होंने अकेले ही अपने दम पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया हुआ है। रांची टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी ने 73 रन बनाए और अपनी इस पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कमाल कर दिया जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी अपने करियर के दौरान नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल के इस कमाल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस चौथे टेस्ट मैच को जीत पाएगी, क्या टीम इंडिया रांची में सीरीज सील कर पाएगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। यशस्वी ने फिर ठोका अर्धशतक। रांची टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी में जहां एक तरफ टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए। एक छोर पर जब टीम इंडिया के बल्लेबाज लगातार विकेट खो रहे थे, तब यशस्वी जायसवाल ने एक मोर्चे को संभाले रखा। यशस्वी जायसवाल ने पहले शुभमन गिल और फिर रजत पाटीदार और उसके बाद सरफराज खान के साथ टीम इंडिया के स्कोर को संभाला। इस पारी में यशस्वी ने पहले अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के साथ साथ अपने स्कोर को भी आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उनकी इस पारी के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया जिसमें यशस्वी जायसवाल ने वो कमाल कर दिखाया जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज अपने करियर में कभी नहीं कर पाए। अपनी इस पारी के दम पर यशस्वी जायसवाल इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 600 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए। यशस्वी निकले सबसे आगे। कमाल की बात यह है कि इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने 600 रनों का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन इस सीरीज में कोई दूसरा बल्लेबाज तो 300 रन भी नहीं बना पाया है। वहीं यशस्वी जायसवाल भारत के पहले ऐसे बाएं हाथ के बल्लेबाज भी बन गए हैं जिन्होंने किसी एक सीरीज में 600 से ज्यादा रन बना दिए हैं। उनसे पहले किसी ने भी ये कमाल नहीं किया था। इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ये लगातार चौथा टेस्ट मैच है जब उन्होंने किसी पारी में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने पहले विशाखापट्टनम में दोहरा शतक जमाया था। इसके बाद राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने दोहरा शतक जमाते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया था। अगर इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन की बात करें तो इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 80 रन बनाए थे। इसके बाद इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जो कि विशाखापट्टनम में खेला गया था, उसमें यशस्वी जायसवाल ने 209 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में जो कि राजकोट में खेला गया था, वहां पर यशस्वी जायसवाल ने नॉट आउट 214 रनों की पारी खेली थी और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया था। और अब रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 73 रन बना दिए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 23 से कम की उम्र में किसी टेस्ट सीरीज में 600 रन बनाने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल से पहले सर डॉन ब्रेडमैन ने 974 रन बनाए थे, उसके बाद सर गैरी सॉबर्स ने 824 रन बनाए थे, इसके बाद सुनील गावस्कर ने 774 रन बनाए थे, तो इसके बाद ग्रेम स्मिथ ने 714 रन बनाए, इसके बाद जी हेडली ने 703 और एन नॉर्वे ने 660 रन बनाए थे। और यशस्वी जायसवाल फिलहाल इस टेस्ट सीरीज में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं और अभी इस टेस्ट सीरीज में एक मुकाबला बाकी है। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल के पास मौका है इन दिग्गजों में से कई सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ने का और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने का। वैसे दोस्तों, रांची टेस्ट मैच में फिलहाल टीम इंडिया तो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया रांची में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी, क्या भारतीय टीम रांची में ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर पाएगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।